फिरोजाबाद में जिलाधिकारी नेहा शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन पटेल ने सोमवार को जिला कारागार में बिरला पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस पुस्तकालय की स्थापना बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बिमटेक फाउंडेशन ग्रेटर नोएडा एवं नाथन सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट ग्रेटर नोएडा द्वारा की गई। इसका प्रबंधन एवं संचालन भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इस पूरे पुस्तकालय में प्रारंभ में विभिन्न विषयों 1200 पुस्तकें उपलब्ध है जिनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाएगी। पुस्तकों का पूरा व्यवस्थापन कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा मुफ्त या बार कोडेड सिस्टम से पुस्तक आसानी से एक्सेस की जा सकेगी। आशीष सौरासिंह की रिपोर्ट है। श्री पटेल साहब कारागार अधीक्षक काम काम सकती जाएगी। ये महोदय से और एसएसपी साहब से अनुरोध किया गया कि पुस्तकालय की स्थापना के पीछे और उपस्थित मेरा स्टाफ और बंदी है, आज फिर जेल सुधार की जो मुहिम चल रही है एक बहुत अच्छा और पावन अवसर उसमें आया है कि लगभग 2 साल मेहनत करने के बाद और लगने के बाद एक कामयाबी मिली। मैं पिछले 2 साल से लगा था कि एक लाइब्रेरी मेरे टाइम में जो नोएडा ने बिमटेक में खोली थी नोएडा में, तो उसी तरह की एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ भी खोली जाए। आज वो शुक्र है कि जेल को एक यातना गृह या एक बंदी गृह के रूप में ना रखा जाए, इसको एक सुधार गृह के रूप में सही मानों में तब्दील कर दिया जाए। पर हैं और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। थोड़ा डिस्टेंस भी है हमारे ग्रेटर नोएडा से, वरना दासना जेल और ग्रेटर नोएडा के जेल में तो हम बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं, लेखन प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता। लेकिन जो जैसा भी जरूरत पड़ेगा, ये हमारा आपसे वादा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि जो भी छोटी बहुत सहायता भी हो पाई है आप उसका पूरा उपयोग करें और ये प्रूफ करें कि जो दिया गया आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो और भी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आएंगी। ये हमारा संस्थान के प्रति हमारा वादा। शिक्षा का एक उसको अगर बैसाखी मिल जाए शिक्षा की, तो वो अपने जीवन में कितना बेहतर इंसान बन सकता है इसकी कल्पना एक मुकाम मिला। तो आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था आज बिमटेक ने यहाँ पर करी है। मैं एक और चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगी, मुझे अपने नोट्स भी शेयर करना बड़ा पसंद आता है और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने एक सर्वे किया कि यहाँ के जो बंदी हैं उन लोगों को किस प्रकार की किताबें चाहिए। जैसा मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने हिंदी निबंध संकलन और हिंदी उपन्यास। कारागार में आयोजन हुआ, क्या है पूरा आयोजन? आज जिला जेल फिरोजाबाद बिमटेक की तरफ से जेल के बंदियों के लिए एक लाइब्रेरी खोली गई है जिसमें उन्होंने 1200 पुस्तकें, 5 अलमारी और 1 कंप्यूटर दिया है। बंदी सुधार की दिशा में निश्चित रूप से ये काम मील का पत्थर साबित होगा। अच्छे साहित्य को और अच्छी पुस्तकों को जब बंदी पढ़ेंगे तो उनके विचारों में परिवर्तन आएगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उनको सुधार की दिशा में जरूर। किस तरह की पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में? इसमें लाइब्रेरी में साहित्यिक सांस्कृतिक क्या है पूरा? ये जिला कारागार फिरोजाबाद में आज पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है जो बिरला फाउंडेशन के सहयोग से हुआ है और यहाँ पे करीब 1200 पुस्तकें जो अलग अलग कैटेगरी के उनका संग्रह किया गया है। और ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो यहाँ के कैदी हैं उनके लिए अपने समय का एक अच्छा उपयोग करने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग कहते हैं कि बुक्स आर वंस गुड कंपनी, बुक किताबों से अच्छा कोई सहयोगी नहीं होता और अच्छी किताबें पढ़ के अच्छे विचार आते हैं और आप यहाँ से जब निकलें तो एक अच्छे नागरिक बने, यही हम सबका कामना रहता है। और इसी उद्देश्य से इस पुस्तकालय का आज यहाँ पर शुरुआत किया गया है। जो भी सहयोग हम लोग की तरफ से होगा उसको हम लोग करेंगे और उम्मीद करेंगे जिस उद्देश्य से इसका शुरुआत किया गया उसको हम लोग पा सकें। पुस्तकालय में क्या आयोजन हुआ है और किस तरह से लोगों को यहाँ पर लाभान्वित किया गया है? दूसरी तरह से मेरा मेरा ये है कि आज जो है पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, इससे बंदियों के
जीवन पे किस तरह का फर्क पड़ेगा और ये कहाँ तक उनके लिए उपयोगी है और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जेल में आज बिमटेक के द्वारा यहाँ पर बहुत ही एक सराहनीय पहल हुई है और लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ है उसमें निश्चित ही, क्योंकि बुक्स जो हैं वो किसी के भी व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और पूरक होती हैं, तो बुक्स पढ़कर हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बंदी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, उनकी सोच जो है वो और विकसित होगी, एक सकारात्मक प्रभाव उनके व्यक्तित्व में पड़ेगा। तो इस तरह की एक सराहनीय पहल की गई है और जिसमें हम लोग आज शरीक हुए हैं। उससे किस तरह से इसमें राहत मिलेगी उनको, क्या फ़ायदे इसके जो आत्महत्याएँ भी कर लेते थे, घटनाएँ हुई आती हैं? जी जी, देखिए जैसा कहा जाता है कि खाली दिमाग में नेगेटिव और विपरीत ख्याल आने बहुत ज़्यादा उसकी होती है, प्रबल संभावना होती है। और यहाँ पर जो बंदीगण हैं वो अपने कार्यों के साथ साथ में, उन पे कुछ लोग रिग्रेस भी इम्प्रिजनमेंट में होते हैं, उसके साथ साथ में अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे और लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे तो उनका जो तनाव है वो भी कम होगा, अकेलापन कम होगा और निश्चित ही उसमें उनके जो सोच है उसमें विचारों की वृद्धि है ये देखने को मिलेगी।